तो हमारे एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग कैरियोके के लिए आए थे और यहाँ पर फुयुकी एक गाना गा रही थी और गाना खत्म होने के बाद वहाँ पर बैठे सभी बच्चे फुयुकी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि वो गाना गाने में बहुत अच्छी है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये गाना फुयुकी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये गाना उसे काफी ज्यादा चीयर अप करता है। और इस टाइम पर सुबासा फुयुकी को ही देख रहा था, लेकिन तभी सायुरी सुबासा से पूछती है कि क्या वो अक्सर कैरियोके जाता है। सुबासा बताता है कि नहीं, वो तो आज उसे फुयुकी ने इनवाइट किया है। और अब सुबासा सायुरी से पूछता है कि क्या वो अक्सर कैरियोके जाती है। सायुरी बताती है कि हाँ, अकेले। उसकी बात सुनकर सुबासा बोलता है कि अरे वाह, अकेले कैरियोके जाना भी काफी अच्छी हॉबी है। अब इसके बाद जो बाकी के बच्चे होते हैं वो सुबासा और सायुरी से बोलने लगते हैं कि तुम भी तो यार एक गाना गाओ। और इस वजह से सायुरी और सुबासा काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। और ये देखकर फुयुकी उनके बीच आकर बैठ जाती है और बोलती है कि मैं सुबासा और सायुरी के लिए एक गाना चुन देती हूँ। और ऐसा वो इसीलिए कर रही है ताकि इन दोनों को कोई परेशानी ना हो। और इसके बाद फुयुकी डिसाइड करती है कि इन तीनों को एक साथ गाना चाहिए। अब ऐसे ही सिंगिंग पार्टी खत्म हो जाती है और अब ये सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं। लड़के आपस में बात कर रहे थे कि यार जल्दी एग्जाम्स होने वाले हैं तो एग्जाम्स के लिए इन्हें काफी अच्छी प्रेपरेशन करनी होगी। और दूसरी ओर सायुरी और फुयुकी भी दूसरी लड़कियों के साथ बात करने में बिजी थी। लेकिन तभी फुयुकी देखती है कि जल्दी वैलेंटाइन डे आने वाला है। और फुयुकी की ये बात सुनकर दो लड़के बोलते हैं कि शायद से हमें तो कोई चॉकलेट देगा ही नहीं। तो तभी एक लड़की बोलती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को चॉकलेट दे दूंगी। और दूसरी ओर वैलेंटाइन की बात सुनकर सुबासा भी फुयुकी की ओर देखने लगता है। तभी सुबासा के बगल में बैठा लड़का बोलता है कि फुयुकी तुम मुझे चॉकलेट दोगी ना। फुयुकी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस साल बहुत सारी चॉकलेट्स बनाने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों जो फुयुकी है वो पूरी क्लास को चॉकलेट देती है। और ये बात जानकर ना जाने क्यों सुबासा को थोड़ा रिलीफ फील होता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तभी एक लड़की सायुरी से पूछती है कि क्या उसे चॉकलेट बनाना पसंद है। सायुरी बताती है कि नहीं, उसे इस तरीके से पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। और उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़का सुबासा से पूछता है कि क्या उसे टोक्यो में लड़कियां चॉकलेट देती थी। सुबासा बताता है कि नहीं। और अब इसके बाद जो लड़के थे वो सुबासा पर हंसने लगते हैं। लेकिन इस टाइम पर फुयुकी और सायुरी सुबासा की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। अब इसके बाद रात हो जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं। और आज सुबासा भी काफी खुश था कि उसने सभी के साथ वक्त गुजारा। लेकिन तभी सायुरी और फुयुकी एक साथ उससे कुछ बोलती हैं। सो अब पहले फुयुकी पूछती है कि सुबासा क्या आज तुम्हें मजा आया। सुबासा बोलता है कि हाँ। अब इसके बाद वो सायुरी से भी यही बात पूछती है। सायुरी भी बोलती है कि हाँ मुझे भी मजा आया। अब इसके बाद सुबासा सायुरी से पूछता है कि क्या तुम कुछ पूछना चाहती थी। हाँ, सायुरी बोलती है कि नहीं कुछ भी नहीं। अब इसके बाद ये तीनों घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक सायुरी चलते चलते रुक जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सायुरी के फोन में एक आर्टिकल ओपन होता है कि आप अच्छी सी चॉकलेट बनाकर उसका दिल कैसे जीत सकती हैं। और सायुरी ये आर्टिकल देखते वक्त शर्मा रही थी। और तभी उसे फुयुकी और सुबासा बुलाते हैं और सायुरी फिर से उनके साथ चलने लगती है। अब अगले दिन हम सायुरी को देखते हैं जो गेम खेल रही थी, लेकिन तभी वो अपने फोन में देखती है कि जल्द ही चॉकलेट डे आने वाला है। ये देखकर सायुरी खुद से बोलती है कि उसे ऐसे फालतू की चीजों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले सीन में हम सायुरी को एक सुपरमार्केट में देखते हैं जो चॉकलेट खरीदने के लिए आई थी। लेकिन तभी उसके पीछे फुयुकी आ जाती है और वो अचानक ही उसे अपने सामने देखकर शॉक हो जाती है। वो फुयुकी से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर फुयुकी बताती है कि वो चॉकलेट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए आई है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सायुरी? सो पहले सायुरी बहाना बनाती है कि वो नेल पॉलिश खरीदने के लिए आई है, लेकिन उसके नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश तो बिल्कुल ठीक थी। सो अब वो बहाना बनाती है कि वो यहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए आई है। क्या तुम मेरे साथ कॉस्मेटिक्स खरीदना पसंद करोगी फुयुकी, क्योंकि तुम इस मामले में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। उसकी ये बात सुनकर फुयुकी बहुत खुश हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपने अपने लिए सामान खरीद लेती हैं। अब इसके बाद फुयुकी सायुरी से पूछती है कि उसे किस टाइप की चॉकलेट खाना पसंद है, जिस पर सायुरी बताती है कि उसे थोड़ी कड़क चॉकलेट खाना पसंद है। उसकी ये बात सुनकर फुयुकी काफी खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद फुयुकी चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए जाने लगती है। सो तभी सायुरी उससे पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ चल सकती है। लेकिन अगले ही पल में सायुरी फुयुकी को समझाने लगती है कि देखो मेरी बात को गलत मत समझना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट बनाना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर फुयुकी इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो उसके हाथों को ही पकड़ लेती है। और इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए जाने लगती हैं। शॉपिंग करने के बाद फुयुकी बोलती है कि अगर तुम्हें चॉकलेट बनाने में कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। और इसके बाद फुयुकी जाने लगती है। लेकिन तभी सायुरी फुयुकी से पूछती है
कि क्या वो सुबासा को स्पेशल चॉकलेट देने वाली है। उसकी बात सुनकर फुयुकी शर्मा जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों पूछा। जिस पर सायुरी बोलती है क्योंकि तुम दोनों बहुत करीब हो। सो फुयुकी बोलती है कि वो तो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है जैसी तुम हो। सो अब सायुरी बोलती है कि अचानक ही तुमसे ऐसा सवाल पूछने के लिए माफ करना, अब मुझे चलना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों ही अपने अपने रास्ते पर जाने लगती हैं। लेकिन अचानक ही रुक कर दोनों आसमान की ओर देखने लगती हैं। अब इसके बाद रात के वक्त हम सुबासा को देखते हैं जो स्टडी कर रहा था। और यहाँ पर सुबासा सोचता है कि क्या कल उसे कोई चॉकलेट देगा। नहीं, मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, मुझे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, पढ़ो पढ़ो। वहीं दूसरी ओर हम सायुरी को देखते हैं जो चॉकलेट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और वो इस टाइम पर फुयुकी को मैसेज करती है। उसके मैसेज देखकर फुयुकी रिप्लाई करती है कि तुम इतनी रात में जाग रही हो। हाँ, जिस पर फुयुकी बताती है कि वो अक्सर देर रात तक गेम्स खेलती है और इसके अलावा अब वो चॉकलेट बनाना शुरू करने वाली है। सायुरी के मैसेज देखकर फुयुकी उसे कॉल करती है। अब इसके बाद ये दोनों कॉल पर बात करते हुए चॉकलेट बनाना शुरू कर देते हैं। फुयुकी सायुरी को बताती है कि उसे सबसे पहले चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। सो सायुरी बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब इसके बाद फुयुकी बताती है कि उसे गर्म पानी में चॉकलेट पाउडर को डालना है और उसे काफी देर तक उबालना है तो आखिर में चॉकलेट का गाढ़ा पेस्ट बचेगा। तो अब सायुरी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो चॉकलेट और पाउडर को एक साथ मिला लेती है, उसे गर्म करती है और उसके बाद उस पेस्ट को एक प्लेट में रख देती है और उसके बाद इस प्लेट को फ्रिज में रख देती है। और ऐसे ही सायुरी की चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया समाप्त होती है। अब इसके बाद सायुरी फुयुकी से पूछती है कि क्या उसकी चॉकलेट्स बन गई। फुयुकी बोलती है कि हाँ, पूरी की पूरी तैयार हैं। दोस्तों, फुयुकी ने काफी सारी वैरायटीज की अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स बनाई हैं और यहाँ पर उसने एक दिल वाली चॉकलेट भी बनाई है और अब वो कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तभी फुयुकी सायुरी से पूछती है कि जब वो चॉकलेट बना रही थी तो वो किसके बारे में सोच रही थी। सायुरी बोलती है कि मैं तुम्हें एक बार पहले ही बता चुकी हूँ कि ये चॉकलेट मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। उसकी बात सुनकर फुयुकी काफी खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो सायुरी से पूछती है कि क्या तुम किसी और को भी चॉकलेट देने वाली हो, शायद से सुबासा को। और इसके बाद वो सायुरी से कुछ और पूछने ही वाली थी लेकिन तभी उसका हाथ टेबल पर पड़े एक डिब्बे से टकरा जाता है जिस वजह से टेबल पर रखा हुआ सारा का सामान इतर बितर हो जाता है। और ये देखकर फुयुकी जोर से चिल्ला पड़ती है। फुयुकी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सायुरी पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन यहाँ पर फुयुकी देखती है कि उसकी सारी की सारी चॉकलेट्स का सत्यानाश हो चुका है, अब वो खाने लायक नहीं बची हैं। और जब फुयुकी सायुरी को इस बारे में बताती है तो सायुरी पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना फुयुकी। लेकिन तभी फुयुकी बोल पड़ती है कि इन सब में मेरी गलती है, मैंने ही टेबल पर रखे सामान को साफ नहीं किया और इस वजह से ये सब हो गया। वैसे तुम्हारी चॉकलेट तो बन गई हैं, है ना, तो चलो मैं तुमसे कल स्कूल में मिलूंगी। और इसके बाद वो फोन कॉल को काट देती है और इसके बाद वो सायुरी को टेक्स्ट के जरिए गुड लक लिखती है। अब अगले दिन स्कूल में सुबासा अपने लॉकर रूम के पास आता है। लेकिन दोस्तों, सुबासा अपने लॉकर रूम को खोलने में काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था। लेकिन हाँ, जब वो अपने लॉकर रूम को खोलता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। बेचारे को लग रहा था कि शायद से कोई तो उसे एक आध चॉकलेट दे ही देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके बाद जब वो अपनी क्लास में आता है तो उसे फुयुकी दिखती है जो ना जाने क्यों उसे थोड़ा उदास लग रही थी। और यहाँ पर फुयुकी सुबासा को एक चॉकलेट देती है लेकिन ये चॉकलेट दुकान से खरीदी हुई थी। और वैलेंटाइन डे के दिन चॉकलेट पाकर सुबासा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर फुयुकी सुबासा को एक पल के लिए देखती ही रह जाती है। लेकिन तभी क्लास में आ जाती है सायुरी। सो फुयुकी सायुरी के पास जाकर उसे भी एक चॉकलेट देती है और वो देखती है कि यही चॉकलेट फुयुकी ने सुबासा को भी दी है। और इसके बाद फुयुकी दूसरे बच्चों को भी चॉकलेट देने के लिए चली जाती है। लेकिन जब फुयुकी इस लाल वाल वाले लड़के को चॉकलेट देती है तब ये दुकान की चॉकलेट देखकर ये लड़का बोलता है कि तुमने घर पर चॉकलेट नहीं बनाई। फुयुकी बताती है कि नहीं, कुछ दिक्कत आ गई थी इसी वजह से वो घर पर चॉकलेट नहीं बना सकी। लेकिन तभी ये लड़का बोलता है कि यार, तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। और ये सब सायुरी और सुभाषा भी देख रहे थे। इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जिसको कुछ लड़कियों ने चॉकलेट दी थी। लेकिन तभी सायुरी उसके पास आकर गुस्से में बोलती है कि अगर तुमने आज के बाद फुयुकी से उस तरीके से बात की तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। सायुरी की ये बातें सुनकर ये लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। अब इसके बाद इनकी क्लास चालू हो जाती है और यहाँ सुबासा फुयुकी को देखता है जो उसे काफी ज्यादा उदास सी लग रही थी। अब इसके बाद छुट्टी हो जाती है और टीचर बोलते हैं कि जिन बच्चों को क्लीनिंग ड्यूटीज दी गई हैं वो रुकें
और बाकी के बच्चे अपने घर जा सकते हैं, लेकिन हम सायुरी को क्लास में ही देखते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्लीनिंग ड्यूटीज सुबासा और फुयुकी को दी गई हैं, और इस वक्त ये दोनों म्यूजिक रूम में साफ सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पर सुबासा फुयुकी से बोलता है कि सभी बच्चे घर जा चुके हैं, स्कूल में कितनी शांति है ना। फुयुकी बोलती है कि हाँ, सिर्फ हम दोनों ही बाकी हैं स्कूल में। उसकी ये बात सुनकर सुबासा थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है कि चॉकलेट के लिए शुक्रिया, मैं उन्हें घर जाकर खाऊंगा। लेकिन अगले ही पल में वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि फुयुकी रो रही है। और तभी हम देखते हैं कि सायुरी उसी क्लास में आने वाली थी, लेकिन फुयुकी के रोने की आवाज सुनकर वो बाहर ही छुप जाती है और अब वो उनकी बातें सुनने लगती है। सुबासा पूछता है कि फुयुकी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, क्या कोई परेशानी है, तुम मुझे बता सकती हो। सो अब सुबासा को पता चलता है कि जो चॉकलेट फुयुकी ने बनाई थी वो सभी खराब हो गई, और इन सब की वजह फुयुकी खुद को मानती है, क्योंकि उसकी माँ ने तो कहा था कि वो वहाँ की साफ सफाई कर दे, लेकिन उसने साफ सफाई नहीं की। और इसके बाद वो फिर से रोते हुए बोलती है कि मैं वो चॉकलेट्स सभी को देना चाहती थी, मैं कुछ चॉकलेट्स तुम्हें भी देना चाहती थी सुबासा, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। और फुयुकी को इस तरीके से रोते हुए देख सुबासा भी इमोशनल हो जाता है। और इसके बाद जो सुबासा होता है वो उसी क्लासरूम में रखे पियानो के पास जाकर बैठ जाता है, और फुयुकी की नजर भी सुबासा पर पड़ती है। और इसके बाद सुबासा अपने मन में बोलता है कि इस वक्त मैं उसके लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। और अब सुबासा पियानो बजाना शुरू कर देता है। अब ये पियानो की आवाज सुनकर फुयुकी पूछती है कि ये तुमने अभी। सुबासा बताता है कि ये वही गाना है जो तुमने कैरियोके में गाया था, और मैं पियानो बजाना पहले सीख चुका हूँ, इसीलिए इसे सुनकर ही मुझे इसकी रिदम याद हो गई। क्या तुम्हें ये पसंद आया? फुयुकी बोलती है कि मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन आखिर तुमने यही गाना क्यों बजाया? जिस पर सुबासा बोलता है कि तुम हमेशा मुझे चीयर अप करती हो फुयुकी, इसीलिए मैं भी तुम्हें चीयर अप करना चाहता था। और सुबासा की बात सुनकर फुयुकी को याद आता है कि कैरियोके में उसी ने कहा था कि ये गाना उसे बहुत पसंद है, वो जब भी इसे सुनती है तो वो काफी ज्यादा चीयर अप हो जाती है। और अब प्रेजेंट में जो फुयुकी होती है वो काफी ज्यादा हंसने लगती है, और उसके जो आंसू आ रहे थे वो उन्हें भी पोंछ लेती है, और उसे इस तरीके से देखकर सुबासा भी खुश हो जाता है। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि अब सायुरी क्लास में आ गई थी। फुयुकी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सो सायुरी बताती है कि वो यहाँ पर चॉकलेट देने के लिए आई है। सायुरी की ये बात सुनकर फुयुकी बोलती है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और अब वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सायुरी बोलती है कि मैं तुम्हें चॉकलेट देने के लिए आई हूँ फुयुकी, और ये बात सुनकर फुयुकी शॉक्ड। जिस पर सायुरी बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये चॉकलेट तुम्हारे लिए बना रही हूँ। और सायुरी की ये बात सुनकर फुयुकी बहुत 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 ज्यादा खुश हो जाती है। और ये सब देखकर सुबासा बाहर से तो खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो रहा था, क्योंकि उसे लगा कि सायुरी उसके लिए चॉकलेट लेकर आई है। लेकिन तभी सायुरी उसे भी कुछ चॉकलेट देती है, ये बोलते हुए कि तुम मेरे डिसाइपल हो, और इसके अलावा मैंने ये चॉकलेट्स फुयुकी के लिए बचाई थी और कुछ बची नहीं, तो ये लो तुम्हारे लिए। लेकिन इन चॉकलेट्स को देखकर सुबासा भी बहुत बहुत खुश हो जाता है, और सुबासा को इतना खुश देखकर सायुरी शर्मा जाती है। और इसके बाद सायुरी बोलती है कि तुमने जब पियानो बजाया ना उस वक्त तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। अब ये बात सुनकर सुबासा भी थोड़ा शर्मा जाता है, और इसके बाद फुयुकी सायुरी के हाथों से बनी चॉकलेट्स को खाना शुरू कर देती है, और उन चॉकलेट्स का टेस्ट उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। और इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों यहीं एक साथ बैठकर चॉकलेट्स खाएंगे, और इस टाइम पर ये तीनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अगला एपिसोड और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। अब ऐसा क्यों? ये तो अगला एपिसोड देखकर ही पता चलेगा ना। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो, सायोनारा।